नमस्कार दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था अपना, और जो दिल्ली सल्तनत काल का वो अंतिम वंश चलेगा आज, जिसका नाम है लोदी वंश। इसका समय काल 1451 से लेकर 1526 तक है दोस्तों। जो लोदी वंश है उसकी बात करेंगे आज, लोदी वंश की। इसी लोदी वंश के बारे में आपको बता दूं कि ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है दोस्तों। अब जो दिल्ली वंश सल्तनत काल का अंतिम वंश है, इससे पहले बता दें इनका जो संबंध है अफगानों की साउखेल शाखा से था। जो अफगान थे उनकी साउकाल जो साउखेल जो शाखा थी उनसे था, और इनके पूर्वज दोस्तों गाड़ों के क्या थे, व्यापारी थे। दोस्तों याद रखना, इनके जो पूर्वज वगैरह थे वो घोड़ों के क्या थे दोस्तों, व्यापारी हुआ करते थे। अब दोस्तों जो ये लोदी वंश है ये अंतिम शासन है, मतलब उसके बाद में मुगल आ जाएंगे। दिल्ली सल्तनत काल का ये क्या है दोस्तों, अंतिम वंश है। अब दोस्तों इसके संस्थापक शासक की बात करें तो इसका जो संस्थापक है उसका नाम है दोस्तों बहलोद लोदी, 1451 से लेकर 1489 तक आया था दोस्तों। ये इसकी एक खास आदत थी, एक तो ये सुल्तानों वगैरह उनको जनता के हित में बिल्कुल ही सदैव प्रेम रखता था, और ये ज़्यादातर अमीरों से ज़्यादा प्रेम करता था। लेकिन दोस्तों इनकी एक खास बात और है कि ये जिस प्रकार से, जैसे राजा यहाँ मैनगद्दी पे बैठता है मान लो, और इसके दो साइडों में यहाँ से सैनिक वगैरह, बड़े बड़े सेनापति वगैरह बैठते हैं, उनके बराबर में जाके बैठ जाता था। यानी कि खास बात हम लोग बोल सकते हैं, यह शासक जो सिंहासन होता है उस सिंहासन का प्रयोग कभी नहीं करता था। तो दोस्तों बहलोद लोदी की बात करें, संस्थापक शासक की लोदी वंश के, अफगानों का समानता मूलक समाज था, यानी कि जो समानता वगैरह दिया करती थी उनका उस समाज से इसका क्या था, अफगानों का समानता। सुल्तानों को सम्मानों में प्रथम माना जाता था, यानी कि सुल्तानों में सम्मान के भावना से इनको क्या माना जाता था, उसको प्रथम माना जाता था सुल्तान को। बहलोद अपने अमीरों को सदैव स्वागत करता, जो अमीर लोग थे उनका स्वागत किया करता था, यह सिंहासन का प्रयोग नहीं किया करता था दोस्तों, याद रखना। और अमीरों को एक बात बोला करता था जिसे कहते हैं मसनद ए आली पुकारता था। जो अमीर लोग हुआ करते थे उनको बोलता था दोस्तों मसनद ए आली। इनसे जैनपुर जीत लिया था, मतलब जो ये बहलोद लोदी है इसने जैनपुर या जौनपुर जीत लिया था। इसने सिक्के चलाए जिन्हें बोलते हैं बहलोदी सिक्के, और ये जो बहलोदी सिक्के हैं मुगल काल तक चले थे दोस्तों, याद रखना। लोदी वंश में भी चले थे और आगे चल के मुगल काल में भी चलेंगे। उसके बाद दोस्तों आगता अगला शासक जिसका नाम है सिकंदर लोदी, इसका जो समय है 1489 से 1517 तक था। इसने दोस्तों सिंहासन का बिल्कुल प्रयोग किया दोस्तों, याद रखना, बहलोद लोदी ने सिंहासन का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन सिकंदर लोदी ने सिंहासन का प्रयोग किया था। इसने सुल्तान के पद को गरिमामय बनाया, मतलब गरिमामय बनाया कि भाई कि सुल्तान का जो पद होता है बहुत बड़ा पद होता है, आपको सुल्तान और सेनापति और सेनापति और सेना इन सब में डिफरेंट होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए काफ़ी, कि भाई सुल्तान बहुत बड़ा होता है। इस बात का मतलब जनता को रूबरू करवाया कि मैं बहुत बड़ा सुल्तान हूँ, तो याद रखना जिस प्रकार से बहलोद लोदी था उस प्रकार से मैं नहीं हूँ, इस बात का भी ध्यान रखना। इसने अमीर शाही फरकान को भी सम्मान करते थे, मतलब जो अमीर शाही फरमान थे यानी कि अमीर लोग वगैरह हुआ करते थे, वो भी सिकंदर लोदी का क्या किया करते दोस्तों, सम्मान किया करते थे। एक चीज़ और आती है, गुलरुखी उपनाम से लिखता था, मतलब कोई फरमान वगैरह हुआ करता था दोस्तों, ये गुलरुखी नाम से क्या करता था, लिखा करता था। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं इसी सिकंदर लोदी की, इसने आगरा शहर की स्थापना की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने। कब की थी दोस्तों, 1504 ईस्वी में एवं 1506 ईस्वी में इसने को क्या बना दिया, इसने राजधानी बना ली थी, ठीक है दोस्तों, उस बात का ध्यान रखना। इसने सिकंदर गज का प्रयोग किया, जो सिकंदरी गज, मतलब दोस्तों गज का मतलब नेप होता है, जैसे अब लोग आजकल इंस्टेप वगैरह चलती है, ये जो किसी चीज़ को नेपता था तो ये रखता था अपने पास सिकंदरी गज, मतलब एक अलग से ही इसका खुद का मतलब नेपने का वगैरह क्या हथियार वगैरह था, उससे नेपा करता था, जिसे बोलते थे सिकंदरी गज का प्रयोग करता था। एकमात्र सुल्तान जिसने खुम्मस में हिस्सेदारी नहीं ली, मतलब एकमात्र सुल्तान था जिसने खुम्मस में क्या नहीं ली दोस्तों, हिस्सेदारी नहीं ली।
इसने अनाज से चुंगी कर हटा दिया। दोस्तों अनाज वगैरह हुआ करता था, इससे चुंगी कर हटा दिया कि भाई अनाज जितना गरीबों में किसानों में जितना अनाज पैदा होता है वो खुद ही रखे, मुझे कोई चुंगी वगैरह नई चीज़ें। और इसका जो पसंदीदा वाद्य यंत्र था वो था दोस्तों शहनाई था। और दोस्तों एक बात और याद रखना, जो शहनाई वाद्य यंत्र है शादी विवाहों में क्या किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। आगे आता है दोस्तों लज्जत एक सिकंदर शाही। दोस्तों जो लज्जत एक सिकंदर शाही है ये संगीत ग्रंथों का फारसी अनुवाद है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। जो संगीत है ग्रंथ उनका फारसी अनुवाद है, इसे कहते हैं लज्जत एक सिकंदर शाही। अगला है फरंग ए सिकंदरी, ये है दोस्तों आयुर्वेदिक ग्रंथों का फारसी अनुवाद। इन दोनों बातों का दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद कथन, इसका जो कथन है वो देखना। यदि मैं मेरे गुलाम को पालकी में बैठा दूं तो अमीर उसे उठाने से इनकार नहीं करेंगे। मतलब दोस्तों यदि मैं, इस बात का समझना एक बार, यदि मैं अपने गुलामों को पालकी में बैठा दूं तो अमीर उसे उठाने से इनकार नहीं करेंगे। मतलब ये आदमी क्या करता था, अगर कि किसी गरीब को या किसी गुलाम को अपने पास बैठा लेता पालकी वगैरह में तो अमीरों की इतनी औकात नहीं थी उसको कि बोल दे कि गरीब तू यहाँ से उठ के चला जा, इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों जो इसकी धार्मिक नीति है उस धार्मिक नीतियों की बात कर लेते हैं, उसके बाद में अगला शासक जो आएगा उसकी बात कर लेंगे। जो धार्मिक नीति है, पहली धार्मिक नीति थी एक ब्राह्मण को मृत्युदंड दे दिया दोस्तों। मतलब धर्म के खिलाफ इसने मतलब एक गलत ही काम कर दिया, जो मतलब एक ब्राह्मण देवता को क्या करवा दिया दोस्तों, इसने मृत्युदंड दे दिया। दूसरा आता है दोस्तों पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तुड़वाया, जो पुरी में जो जगन्नाथ का मंदिर है उसको तुड़वा दिया। एक और आता है दोस्तों ज्वाला देवी मंदिर को भी तुड़वा दिया दोस्तों। जो ज्वाला देवी की मूर्ति है उसके टुकड़ों को कसाईयों में वितरित करवा दिया दोस्तों, इस बात का याद ध्यान रखना कि भाई जो ज्वाला देवी की जो मूर्ति है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कसाईयों में क्या कर दिया दोस्तों, वितरित करवा दिया। एक इसने एक धार्मिक नीति और की, महिलाओं के मजार जाने पर रोक लगाई। मजार वगैरह होती है दोस्तों, दरगाह वगैरह को कहा जाता है मजार, इस बात का ध्यान रखना। दरगाह को कहते हैं मजार, मजार कहते हैं दोस्तों दरगाह को। अब साथ ही साथ दोस्तों आगे बात कर लेते हैं किसकी, सिकंदर लोदी की। जो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दो क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश तो दोस्तों कौन सा वंश है, लोदी वंश, ठीक है। और आपको अगर पूछे दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक तो है दोस्तों इब्राहिम लोदी। इसके बाद दोस्तों आ जाएगा बाबर 1526 में। तो 1517 से 1526 तक इसका समय काल था। इसने अपने व्यवहार में अमीरों को नाराज़ कर दिया। मतलब दोस्तों जी इब्राहिम लोदी था ये अमीरों को नाराज़ कर दिया, क्योंकि ये गरीबों वगैरह को बराबर का हक दिया करता था, इस वजह से अमीर लोग इससे क्या हो गए दोस्तों, नाराज़ हो गए। दौलत खां लोदी, जो पंजाब का गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रित किया दोस्तों, इस बात का याद रखना। ये लोदी का दोस्तों क्या था दोस्तों, एक तो था दोस्तों इसका चाचा, एक तो था दोस्तों इसका चाचा और एक था दोस्तों इसका सेनापति, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। एक चाचा और एक सेनापति जिसका नाम है दौलत खां लोदी, और एक और था, ये दोनों मिलकर षड्यंत्र रचते हैं और यहाँ पे दोस्तों किसको आमंत्रित करते हैं, बाबर को, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। अब कथन क्या था दोस्तों, इसका कथन की बात कर लेते हैं। तो कथन था मेरे अमीर मेरे शाही खेमे का सम्मान करते हैं। मेरे अमीर मेरे शाही खेमे का क्या करते हैं दोस्तों, सम्मान करते हैं। इब्राहिम लोदी ने दोस्तों एक युद्ध किया था जिसे कहते हैं पानीपत का युद्ध, ये हुआ था दोस्तों 1526 में। दोस्तों इसकी डेट नहीं दे रखी तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसकी डेट है 21 अप्रैल। तो दोस्तों याद रखना 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। एक तरफ था इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ था दोस्तों बाबर। दोस्तों बाबर के पास नामात्र की 20,000 की सेना थी याद रखना, और जो इब्राहिम लोदी था इसके पास दोस्तों कम से कम 5,00,000 की सेना थी। फिर भी दोस्तों इब्राहिम लोदी यहाँ पराजित हो जाता है, किससे दोस्तों बाबर से, यानी कि पराजित हो जाता है युद्ध में, क्यों, और युद्ध स्थल में ही दोस्तों ये मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का यह शासक था जो युद्ध स्थल पे ही मारा गया था 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के युद्ध में। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ आ जाता है बाबर।
और बाबर इसकी हत्या कर देता है और एक नए वंश की स्थापना कर देता है जिसे कहते हैं दोस्तों मुगल वंश। जो अगला वंश आएगा उसे कहते हैं दोस्तों मुगल वंश की स्थापना कर देता है बाबर, जहीरुद्दीन बाबर। अब ये बाबर करेगा अगले दोस्तों मुगल काल की स्थापना। अब यहाँ ही दोस्तों अंतिम आता है दिल्ली सल्तनत काल, दोस्तों हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि दोस्तों अभी तक हमारे जीके सुरेश चौधरी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।